डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के आपके पास दो पार्ट हैं, दोनों आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, उस एक्शन के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, सिंबल्स के साथ। पहला पार्ट कहता है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अच्छा, रिएक्शन देखो, यहाँ से समझो किस किस की से की रिएक्शन हो रही है। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। यहां से हमें इतना समझ में आया, इतना पढ़ के कि दो चीजों की रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड इन वाटर। और ये रिएक्शन वाटर में हो रही है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फाइड। गिव मींस देना। रिएक्ट होने के बाद ये क्या देते हैं, एक तो बेरियम सल्फेट देते हैं, एक तो ये क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट मीन्स प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या आता है, एक बेरियम सल्फेट आता है। प्रोडक्ट हमारे पास पहला है बेरियम सल्फेट एंड सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास होगा एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस विल बी सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पार्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड सेकेंड रिएक्शन किसकी हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड सेकंड प्रोडक्ट इज वाटर। हमें इसको किस चीज में लिखना है, हमें इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। हम वन पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, पहले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बैलेंस भी करनी है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, पहला था बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम क्लोराइड के लिए हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इन वाटर है, एक्वस होगा, तो एक्वस, कोई भी चीज वाटर में होती है तो दैट इज एक्वस, ठीक। देन रिएक्ट टू गिव बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला हो गया Na2SO4, ठीक है। ये भी एक्वस है क्योंकि ये भी वाटर में रिएक्शन कर रहा है। फिर हमको क्या मिलता है, रिएक्शन के बाद एरो लगाएंगे, एरो लगाते हैं रिएक्शन के लिए। अब क्या करें, क्या मिल रहा है हमें, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट मिल रहा है, मींस बेरियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला हो गया BaSO4। एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, NaCl। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, बट अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें चीजों को बैलेंस करना है, क्योंकि तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो पाएगा। अच्छा, देख लेते हैं पहले बैलेंस सब चीजें है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे Ba के एटम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे Ba का एक ही एटम है, राइट हैंड साइड पे Ba का एक ही एटम है। क्लोरीन के एटम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है एंड Cl के यहाँ पे एटम एक ही है, तो हमको राइट हैंड साइड पे भी 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2NaCl हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने से Na के 2 एटम हो गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट हैंड साइड 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी 2 है। S का सिंगल एटम लेफ्ट हैंड साइड है तो S का सिंगल एटम राइट हैंड साइड है। O के 4 एटम लेफ्ट हैंड साइड है तो O के 4 एटम राइट हैंड साइड पे है, तो ये बैलेंस्ड हो गई। और जो स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए ये केमिकल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इन वाटर है ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी एक्वस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH लिखा जाता है, NaOH, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर है तो एक्वस लिख दिया। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है HCl। ये भी किस में है, वाटर में है, इन वाटर, तो इसके लिए भी क्या लिख दिया, एक्वस लिख दिया। प्रोड्यूस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, वाटर मींस H2O। अब इसे देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। Na का सिंगल एटम है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी सिंगल एटम है, ठीक है। O का सिंगल एटम है लेफ्ट हैंड साइड, O का सिंगल एटम है राइट हैंड साइड।
सीएल का सिंगल एटम है लेफ्ट हैंड साइड, सीएल का सिंगल एटम है राइट हैंड साइड, एच के दो एटम है, एक तो NOH में एच सिंगल एक यहाँ पे है, एच सी एल में एक एच यहाँ पे, तो दो एटम है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एच के, तो राइट हैंड साइड पे भी एच के यहाँ पे कितने हैं, दो एटम है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको आगे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6।